रहमतुल्लाह बरकातहू। आज हम बैठा गावना कोकनी डिश बना रहे। ये देखो, ये आधा पाव गेहूं है। हम ज्यादा नहीं बना सकते क्योंकि हमारे खाने वाले कोई है नहीं, इसलिए हमने आधा पाव का हिसाब बता रहे। आधा पाव गेहूं हमने ला के उसको चुन के धो के पानी में भिगाए रात में। अभी सुबह हो गई, अभी इसको पीसेंगे, इसका दूध निकालेंगे। ये पाव किलो शक्कर है, ये इसमें आपको शक्कर इससे कम चाहिए ज्यादा चाहिए आप ले लो, लेकिन इसमें इतनी शक्कर जाती है, हम इससे भी कम डालेंगे। 100 ग्राम घी लगेगा, दो बार घी लगेगा, एक बार बघारने के लिए, एक बार ऊपर से डालने के लिए। और देसी घी अच्छा लगेगा, या तो मस्का लो, डालडा लो, आपकी मर्जी, लेकिन तेल मत लो। ये देखो, आधा लीटर से भी कम दूध है ये, अमूल दूध है ये। इसको पका के लिए ठंडा करके हमने। चार अंडे लेंगे और ये पाव किलो मैदे का आटा लेंगे। आपको हम बता रहे हैं, देखो वजन से ले रहे हैं, सब वजन से ले रहे। देखो ये देखो, हमने वजन से ले रहे सब बराबर से। जैसा पाव किलो शक्कर है, पाव किलो गेहूं है, पाव किलो मैदे का आटा है, उसमें चार अंडे। और ये दूध है ना, आधा लीटर में से थोड़ा सा नमक लेंगे। और ये देखो, हमने पाइनएप्पल लहसुन लेंगे। पाइनएप्पल का हम लोग को अच्छा लगता है, इसलिए आप वेनिला लो, कौन सा भी आपको जो फ्लेवर अच्छा लगता है वो हम पाइनएप्पल लेंगे। इसमें से काजू बादाम हमने काट के पूरा करके रखे हैं। पकाते टाइम थोड़ा डालेंगे और थोड़ा हम ऊपर से गार्निश करेंगे। और ये देखो, ये हमने काला किशमिश लिए, वो भी डालेंगे। चावल का आटा इसमें से चार चम्मच, चाय की चम्मच चार भर के डालेंगे, ये ज्यादा है, इसमें से चार चम्मच ही डालेंगे। इलायची पाउडर एक टीस्पून लेंगे और एक चम्मच भर के हमने बेकिंग सोडा लिए, वो भी लेंगे। अभी बनाने का तरीका बता रहे। एक चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर है, ये भी लेंगे। अभी ये गेहूं को हम पीस के ला रहे, दो गिलास पानी डाल के इसका दूध निकालेंगे। इसको पीस के ला के इसको छान के दूध निकालेंगे। ये देखो, अभी एक गिलास डाले, आधा गिलास उसमें था, आधा गिलास हम जब दूध निकालते जब ही डालेंगे। अभी ये छन्नी से ये इसको दूध को छानेंगे, गेहूं पीस कर लाए ना उसका दूध निकाल रहे। देखो इसको हाथ से अच्छे से ये करेंगे। ये देखो अच्छे से दूध निकालेंगे, इसमें बहुत ताकत है, ये गेहूं के दूध में बहुत ताकत है। इसको ऐसा पका के हमने अलग से बताए हैं, दो बार बताए हमने ये गेहूं के दूध की गंजी, बहुत अच्छी बनाए हैं। कोकनी लोग बनाते वो सब बताए हम। अभी देखो ये हम बता रहे हैं बैठा गावना, ये भी कोकनी लोग की रेसिपी है। एक एक आस्ते करके सब बताएंगे, रोज रोज हम रेसिपी बनाते, बीमार भी रहेंगे तो भी बनाते, क्योंकि हमको आपको दिखाना अच्छा लगता है। ये देखो, और एक बार इसको आधा गिलास पानी डाल के पीस के लाएंगे, वापस निकालेंगे, इसमें बहुत ताकत है ये दूध, ये इतना फेंकने का नहीं, दो बार पीसने का। ये देखो, अभी ये दूसरी बार हमने पीस के लाए ना, देखो कितना दूध है इसमें, इसमें सब ताकत रहती है। और मैं आपको बताती हूँ बेटा, बहू लोग, बेटे लोग, बेटी लोग, आपको बता रही हूँ, बहन लोग, बता रही हूँ कि मेरा घर इसी से चलता है। मेरा बेटा चला गया, आप लोग को पता है मेरा इसमें से चलता है। और अगर आप लोग मेरे को देखते नहीं, अभी देखना क्यों बंद कर दिए, देखेंगे तो मेरा घर चलेगा, नहीं तो मेरा क्या होगा, मेरे को कोई पालने वाला नहीं है। इसलिए देखो मेरे ऊपर, मेरी दुआ लो, ऐसे भी दुआ देती हूँ मैं तुमको रात दिन, अभी भी दुआ करूँगी। और हाँ, मेरे को देखो और मेरी रेसिपी देखो, और लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और बेटा, अंडे हमने फोड़ दिया हाँ इसके अंदर डालने के लिए। और बेटा, बेटी, बहू लोग, आपको बता रही, बहन लोग, आपको बता रहे कि मैं आपसे मदद नहीं मांग रही हूँ, हेल्प मांग रही हूँ तुम्हारी, कि ऐसी हेल्प करो कि मेरे चैनल को लाइक शेयर करो और देखो। हाँ, देखेंगे नहीं तो यूट्यूब से मुझे पैसे नहीं आएंगे, तो दवा कहाँ से मुझे आएगी, इस पर मेरा घर भी चलता है और दवा भी आती है। इसलिए ऐसा है ना, देखो ये मेरा नहीं पैसा आया, इसके लिए नहीं आया कि आप देखना कम कर दिए, इसलिए आप देखो मेरे को।
मेरे ऊपर मेहरबानी करो, मेरी दुआ है। देखिए ये गेहूं का दूध निकाले ना, उसमें अंडे मिक्स करेंगे, ऐसा करके सब फेंटते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। देखो अभी अंडे मिक्स करेंगे, फिर उसमें शक्कर डालेंगे। ये देखो अंदर लंप नहीं बनना चाहिए ऐसा घोटने का। ये देखो शक्कर डाले, हाँ पूरी शक्कर डाले, आपको और शक्कर चाहिए और डालो। अभी देखो ये दूध डाल रहे, हमने अमूल दूध दिए, आपको जो चाहिए दूध ले लो। और इसमें मेरी बुआ है ना, इसमें नारियल का दूध डालती थी, हम नारियल का नहीं डाले, हाँ ये अमूल दूध डाले, नारियल का दूध भी चलता है इसमें, मेरी माँ की रेसिपी है ये। सब जितनी रेसिपी मैं बताई मेरी माँ ने मुझे सिखाई, मेरी माँ है दूसरा जो समझो, मेरी माँ की बहन लोग है, खाला लोग, ये लोग की रेसिपी ये लोग ने सब ने मुझे सिखाई। देखो चार चम्मच हमने चावल का आटा डाले, अभी इलायची पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, अभी नमक डालेंगे, इलायची पाउडर डाले स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। हम लोग कोंकणी लोग नमक डाले बिना कोई चीज बनाते नहीं। देखो ये पाइनएप्पल एसेंट डालेंगे, आपको जो फ्लेवर पसंद है वो डालो। ये देखो अभी ये बेकिंग पाउडर डालेंगे, ये देखो वापस फेटेंगे। हमारी बुआ तो फेटने का तो नहीं था पहले, हाथ से पूरा फेटती थी, थाले पे पूरा ये बैटर जमा करती थी और फिर हाथ से फेटती थी, दो एक हाथ के पंजे से सीधे वाले उससे फेटती थी। ये अच्छी खुशबू आ रही है बेसन की। अभी हमने घी डाले 50 ग्राम, 50 ग्राम बाद में डालेंगे। ये देखो अभी घी डाले, अभी ये बैटर डाल के उसको हाथ बिल्कुल बंद नहीं करने का, हिलाते रहने का, जैसा दूधेरी फेंटते ना ऐसा घोटते रहने का, पूरा गाढ़ा होने तक घोटने का, उसके बाद घी डालने का और फिर कम आंच पे रख देने का। गांव में हमारे मेरी माँ एकदम घट हो गया ना, गाढ़ा हो गया कि उसके ऊपर नीचे से ये लकड़ी का जलता हुआ निकालती थी, नीचे कोयले ऊपर तवा रखती थी, तवे में कोयले रखती थी और पकाती थी। अब इधर तो वैसा है नहीं, तो अपन ऐसा पकाएंगे। अभी ये हो गया, अभी ये गांव में कैसा चूल्हे के नीचे से अंगार निकालते थे, कोयले पे नीचे रखते थे, ऊपर कोयला रखते थे, अभी हम इसको ना ओवन में रख रहे हैं। ये ओवन के डब्बे में तेल या घी लगाएंगे, उसके अंदर डालेंगे काजू बादाम लगा के ओवन। देखो ये बर्तन लाए ओवन का, उसके अंदर घी डालेंगे और पूरा अच्छे से लगाएंगे उसको, आजू बाजू तले में अच्छे से लगाएंगे नहीं चिपकने के लिए। ओवन हमने प्रीहीट करने रखे हैं। गरम करने रखे थे, अभी 180 डिग्री पे 30 मिनट के लिए इसको रखेंगे, फिर बताएंगे आपको। बनाए हमने
ये बैठा गावना है, इसको बैठा गावना बोलते हैं। एकदम फर्स्ट क्लास मस्त एकदम बना है, पूरा घर हमारा खुशबू से भर गया। ऐसा बनाओ, मेक किचन को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बहुत गर्मा गर्म है, देखो हाथ लगाने भी नहीं हो रहा है। हाँ, और मेक किचन को आगे बढ़ाओ प्लीज। अल्लाह हाफिज। देखो अभी इसको हम फ्रिज में रखेंगे, ठंडा करेंगे, फिर टुकड़े निकाल के आपको बताएंगे। बनाए और बैठा गावना बोलती है इसको, देखिए कितना अच्छा बना है, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम सॉफ्ट बना है। देखो नरम नरम एकदम, ऐसा बनाओ एकदम फर्स्ट क्लास टेस्टी बना है, हमारी तरीके से बनाओ। और मेहक किचन को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, मेरी रेसिपी रोज की नई नई आपको देखने को मिलेगी। प्लीज व्हाट्सएप पे भेजो, रिश्तेदारों में भेजो, मेहक किचन को आगे बढ़ाओ प्लीज। अल्लाह हाफिज।